एक्टिव एंटी करप्शन ग्रुप की ओर से देश की बेटी अब रहेगी निर्भय। निर्भया महिला शक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन ढोलेवाल स्थित पंजाब ट्रेड सेंटर में आशीहारा कराटे ग्रेडिंग का आयोजन किया गया। इसमें 25 स्कूलों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला शक्तिकरण और देश की बेटी जी अपने आप से निर्भर करने वास्ते रमेश बांगड़ जी उन्होंने साथी पंकज जी सारे साथियों ने बहुत अच्छा नेक उपराला किया ताकि बच्चियां बचपन तो ही अपने पैरों से अपनी सहायता वास्ते किसी सिक्योरिटी ना जाए उन्होंने अपने निर्भर करने वास्ते देश की बेटी महिला शक्तिकरण जी ने बनाया पैसा बहुत अच्छा नेक काम है और बच्चियां अपने आप से निर्भर होंगियां अपने आप से हर माड़े कर माड़े टाइम का मुकाबला करने वास्ते उन्होंने ये शक्ति जी पैदा कर दी। मैं सुना बहुत बढ़िया काम है मैंने देख के बहुत खुशी हुई है और मैं रमेश बांगड़ जी ने बहुत बहुत मुबारकबाद देना और परमात्मा के प्रार्थना भी करता परमात्मा ने शक्ति देवे होर बच्चे इदा ही ट्रेनिंग देन इदा ही इन्होंने बच्चों बढ़ करके अपने समाज की भी सेवा करेंगे देश की भी सेवा करेंगे और अपनी भी रक्षा करेंगे बच्चे और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे। जय हिंद। फॉर बींग हेयर मैं ब्लैक बेल्ट बनना चाहती हूँ। हम नेशनल तक खेलना चाहते हैं इंटरनेशनल तक भी जाना चाहते हैं। हमारे कोच लता मैम है जो हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं। बस हमें बहुत प्राउड है कि हम उनके स्टूडेंट्स हैं। से देना चाहते हैं कि सभी लड़कियों को सीखने चाहिए कराटे अपने प्रोटेक्शन के लिए। देश की बेटी अब रहेगी निर्भय महिला शक्तिकरण कार्यक्रम कराटे यहाँ पर पंकज सानिया जी और एक्टिव एंटी करप्शन ग्रुप की तरफ से करवाया गया। हमारा मकसद है बच्चों का बेस जो मजबूत करना उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना ताकि जो बच्चे स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाएंगे तो वो गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे। खाने पीने की तरफ ध्यान रखेंगे बर्गर पिज़्ज़ों जो आज बच्चों की सेहत को ख़राब कर रहे हैं उनसे बचेंगे और जो आज बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है गलत लोग गलत आंसर बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन अटैक से बच्चे बचेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर हमने देखा जो गर्ल्स को बॉयज़ के साथ कंपटीशन करवाया गया उससे भी डबल एज वाले लड़कों से तो गर्ल्स इतनी स्ट्रांग थी कि लड़कों को उन्होंने मार मार के उनकी तसल्ली करवा दी। तो अगर हमारी गर्ल्स बॉयज़ सब स्ट्रांग होंगे तभी हमारा बेस स्ट्रांग होगा। और जैसे नशे की बात करते हैं या और चीज़ों की बात करते हैं समाज में जो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बातें जो है ये कहीं नज़र ही नहीं आएंगी कि कहाँ नशे हैं कहाँ बच्चे हमारे ख़राब हो गए हैं। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी गेम के साथ बच्चों को जरूर जोड़ें। कार्यक्रम का उद्घाटन फेडरेशन के प्रधान केवल चंद्र गर्ग ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर डिप्टी मेयर श्याम सुंदर मल्होत्रा उपस्थित हुए। 7 ब्लैक बेल्ट जीते खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। अभिभावक और खिलाड़ियों को रमेश बांगड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि आज मोमबत्ती जलाने का समय नहीं बल्कि बेटी को झांसी की रानी लक्ष्मी बाई बनाने का है। आज जो महिला शक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा उपराला रमेश बांगड़ जी पंकज सानी जी उन्होंने पूरी टीम वालों किया गया बहुत ही सलाना योग है क्योंकि इदा के जोड़े उपराले करन नाल एक समाज नू एक वधिया मैसेज आता लड़कियां नू आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बहुत ही वधिया कराटे का इत्थे कंपटीशन होया जिन्हां च लड़कियां ने बहुत ही वधिया प्रदर्शन किया क्योंकि अज के समय के विच यह बहुत जरूरी है। मैं चाहना पूरे लुधियाने च कि पूरे पंजाब च इहो जे प्रोग्राम होने चाहिए है क्योंकि पंजाब की नारी जिहड़ी हिंदुस्तान की नारी
अगे वधे ते अपने आप ते आत्म निर्भर रहे। धन्यवाद। एंटी करप्शन ग्रुप की ओर से आज आशियारा कराटे के बेल्ट टेस्ट ग्रेडिंग पंजाब स्टेट सेंटर में कराया गया, जो कि 25 स्कूल कॉलेज के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये आज 7 बजे से लेकर 10 11 तक कंटिन्यू चलता रहा। ये 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों ने इसमें भाग लिया। नवा सर के भी कोच, लुधियाना करीब करीब मोस्ट स्कूल के खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया। और सबसे बड़ी बात, आज जो क्राइम हो रहा है गर्ल्स को लेकर, हम सब उसी को प्रमोट के लिए हम सब एक्टिव एंटी करप्शन आशियारा कराटे इसी को मैं लेके चल रहा हूँ कि सेफ हो, बच्चे सेफ हो। आज डांस सीखने के लिए बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसमें स्पोर्ट्स नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स एक मार्शल आर्ट ही एक ऐसा खेल है जिसमें कि सेल्फ डिफेंस हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग है। ऐसे गेम से पेरेंट्स को भी जोड़ना चाहिए और खिलाड़ी को भी इसमें आना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। माई नेम इज़ पलक अग्रवाल, माई कोच नेम इज़ सिहान पंकज कुमार सानी। टुडे देर इज़ अ बेल्ट टेस्ट, 26 स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस बेल्ट टेस्ट में, 26 स्टूडेंट्स लुधियाना के। ये बहुत प्राउड की बात है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बेल्ट टेस्ट दिया है। आई गेव अ टेस्ट ऑफ, मैंने ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिया है जो कि बहुत हार्ड होता है देना। बच्चे स्टार्ट करते हैं वाइट से, होते हैं ब्लैक। आज के यूथ को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गाइस गेम्स ज्वाइन करो, प्लीज़ गेम्स में ध्यान दो, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, ड्रग्स छोड़ो और जो हम दूसरी साइड जा रहे हैं उसको छोड़ो, क्राइम से हटो और ये ज्वाइन करो। और मैं स्पेशली गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गर्ल्स ज्वाइन सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस ज़रूरी हो चुका है आज के लिए। कोई भी मिस अपनी आपके साथ होती है, अगर आपको सेल्फ डिफेंस की नॉलेज है आप उसके साथ भिड़ सकते हो, आप उसे ख़त्म कर सकते हो, आप उसे ज्वाइन करो सेल्फ डिफेंस को, बहुत ज़रूरी है। ठीक है गर्ल्स, सो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल पेरेंट्स स्पेशली यंग गर्ल्स, प्लीज़ गर्ल्स कम आउट फ्रॉम देयर हाउस, गलत काम को छोड़ के सेल्फ डिफेंस, कराटे, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो ताकि क्राइम कम हो। और जो स्नैचिंग हो रही है, चेन की स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, वो मेरे साथ खुद के साथ एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ने बहुत इससे सेल्फ डिफेंस से अपनी लाइफ में कुछ गेन किया है। मैंने खुद स्नैचर्स को एक दिन पीटा था पकड़ के और वो अवॉइड होगा इससे। अगर गर्ल्स में हिम्मत होगी ना सेल्फ डिफेंस की तो स्नैचिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्रिमिनल्स को पकड़ा जाएगा जल्दी। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना, प्लीज़ गर्ल्स कम आउट, कम आउट, टेक सेल्फ डिफेंस, यूथ अवॉइड बैड थिंग्स, प्लीज ज्वाइन स्पोर्ट। ओके, पहले हम स्टार्ट होते हैं वाइट बेल्ट से, सबसे पीछे होती है वाइट बेल्ट, सबसे फर्स्ट बेल्ट होती है, फिर आती है ब्लू, ब्लू के बाद आती है येलो, येलो के बाद आती है ग्रीन, ग्रीन के बाद आती है ब्राउन, फिर ब्राउन क्यू, फिर ब्लैक। इतने टाइम लग जाता है ब्लैक बेल्ट होने में, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड वर्क हो जाता है ब्लैक बेल्ट होने में। थैंक यू सो मच। श्री बांगड़ ने बताया कि इस साल 10,000 लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरह से लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा ताकि कानून के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। गुजरात के चीफ दीक्षित महेश और शिहान पंकज कुमार सानी ने ग्रेडिंग का निरीक्षण किया। विशेष उपस्थित हुए काउंसलर गौरव भट्टी, वरुण मेहता, फेडरेशन के 25 ब्लैक बेल्ट कोच इस मौके पर मौजूद थे। नवल कुमार, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना।